हाय गाइस, ये शहजाद अहमद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 81। आज हम एक छोटी सी एप्लीकेशन या छोटा सा एक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि जैसे ही हम फोकस करेंगे एंड टाइप कोई भी हम टेक्स्ट फील्ड में अपनी वैल्यूज जो है यूज़र से हम जब उठवाएंगे तो हम उसे बताएंगे कि जो है कितनी लेंथ चाहिए उस जो है वो पर्टिकुलर फील्ड के लिए। एंड जैसे ही यूज़र जो है वो वैल्यूज जो है वो टाइप करेगा, एंड तो जैसे इन दिस केस आपको पता है कि मैं यहाँ पे जिस पे भी चाहे ये हो चाहे हमारा सेकेंड हो, इन दोनों में से जिसे ही मैं फोकस इन कर रहा हूँ, जैसे ही मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, टाइप करने से पहले तो वो बता देता है कि 6 कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर रिक्वायर्ड हैं, एंड हमारे पास जो सेकेंड है हमारे पास तो उसमें बता रहा है कि 8 कैरेक्टर रिक्वायर्ड हैं। एंड जैसे ही मैं लिखना शुरू कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 जैसे ही लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट फील्ड जो है वो वैनिश हो चुकी है। इन दिस केस हमारे पास 8 फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखें आप हमारी जो है वो जो हमारा कंटेंट है जो हम दिखा रहे थे यूज़र को, वो हमारा जो है वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है। ठीक है, तो हम ये छोटा सा जो है प्रोग्राम बना के देखते हैं यूजिंग जेक्यूरी, एंड हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम जेक्यूरी की फंक्शनैलिटी यूज़ करें, दैट्स वाई हमने जेक्यूरी डॉट JS के नाम से अपनी फाइल वो रखी हुई है जो हमने jQuery.com से डाउनलोड की थी अपने JS फोल्डर में, एंड हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई escape.js के नाम से हमने फाइल बनाई हुई है जो हम एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दो हमें जो है 2 टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए, ठीक है। इनपुट टाइप जो है हमारी टेक्स्ट है, एंड हम मेन जो है वो लेंथ रखते हैं इक्वल्स टू 6, ठीक है मेन लेंथ 6 रखते हैं, क्लोन बनाते हैं एंड हम मेन लेंथ यहाँ पे 8 रखते हैं, ठीक है 6 एंड 8, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। हम दोनों को सेपरेट करने के लिए जो है ऐसे पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं, बिकॉज पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई क्लोन बनाएंगे हम एंड ठीक है 8 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टेक्स्ट फील्ड आ चुके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ही हम यूज़र एंटर करे, क्लिक करे बटन को, तो सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए कि कितने जो है वो लेंथ चाहिए, मिनिमम जो है कितनी लेंथ चाहिए वो यहाँ पे हमें शो करवाना है। तो हम स्क्रिप्ट में जाते हैं एंड हम सिलेक्टर बनाते हैं कि डॉम को रेडी करते हैं। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास एक हैंडलर बनाते हैं, इवेंट हैंडलर। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें करंट ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं दिस अंडरस्कोर जो है सिलेक्टर बनाते हैं एंड इक्वल्स टू करते हैं हमने ये वेरिएबल, वट एवर आप जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहें, ठीक है। हम करेक्ट करंट ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रखने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट ऑब्जेक्ट हमने उसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब हम रेफरेंस देंगे जस्ट के जो दिस अंडरस्कोर सेल, ठीक है, डॉट एट्रीब्यूट मीन्स एट्रीब्यूट, ये हमारा एक जेक्यूरी का बिल्ट इन फंक्शन है। हम उसे बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए मेन, हमें लेंथ चाहिए, एंड वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं मेन लेंथ की, ठीक है मेन लेंथ वेरिएबल में हम स्टोर करवाते हैं, एंड फिलहाल के लिए उस वेरिएबल को हम अलर्ट करवा देते हैं मेन लेंथ, ठीक है मेन लेंथ। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे मेन लेंथ, हम यहाँ देखेंगे मेन लेंथ, करंट ऑब्जेक्ट हमारा मिन लेंथ, मिनिमम लेंथ है बिल्कुल। हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम देखते हैं कि हमारा क्या एरर है जो, ठीक है कंसोल में, बट हमने फोकस पे रखा था, ठीक है। तो ये हम सॉरी हम फोकस पे ये हमें रखना था, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो तो हमने फोकस पे रखना था, ठीक है। जैसे ही हमारा
इनपुट, जितने भी इनपुट्स हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी इनपुट्स हैं और उनकी टाइप जो है वो टेक्स्ट है, जितने भी इनपुट टाइप हैं उनके टेक्स्ट है, जब उन पे फोकस होगा, ठीक है, फोकस होगा तो हमारा एक हम फंक्शन चलेगा एंड हम हैंडलर बनाते हैं जैसे ही फोकस होगा। तो फिलहाल के लिए हम चलो अलर्ट करवा देते हैं कि ठीक है फोकस वर्किंग, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे एंड फोकस नॉट वर्किंग, इनपुट टाइप, ठीक है इनपुट टाइप है हमारे पास एंड देन फोकस हम करवाएंगे तो आप देख सकते हैं फोकस वर्किंग, ठीक है हमारे पास जो है फोकस हो रहा है एंड हमें उसके बाद हमें क्या चाहिए, एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए, एक जो है वो करंट ऑब्जेक्ट, हम उसे बताएंगे कि जो है हमारा करंट ऑब्जेक्ट एंड दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है करंट ऑब्जेक्ट हम देंगे एक वेरिएबल को एंड हम उस वेरिएबल का नाम रखते हैं दिस सेलेक्टर, ठीक है दिस सेलेक्टर, ठीक है हम आगे चलते हैं, हम रेफरेंस देंगे कि जो दिस सेलेक्टर है, ठीक है उसका एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है हमारा एंड एट्रीब्यूट मेन लेंथ, ठीक है वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे एंड मेन लेंथ को हम एक वेरिएबल में रखेंगे, वेरिएबल मेन अंडरस्कोर लेंथ, ठीक है एंड उसे हम अलर्ट करवाएंगे, ठीक है अलर्ट करवाने के बाद हम जो है मेन लेंथ का वेरिएबल उसे दे देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है मेन लेंथ आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मेन लेंथ 8 है। तो फिलहाल के लिए हम अलर्ट को छोड़ते हैं एंड हम चेक करवाते हैं कि जब हमारी मेन लेंथ, ठीक है जब हमारा जो है मेन लेंथ, ठीक है नॉट इक्वल्स टू सॉरी बराबर ना हो 0 से, ठीक है एंड मेन लेंथ ग्रेटर देन हो 0 से एंड एंड हमारा मेन लेंथ जो मिनिमम लेंथ है वो लेस देन हो किससे, जो हम यहाँ पे ये दे रहे हैं करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है हम उसका रेफरेंस देंगे कि दिस सेल डॉट लेंथ, ठीक है उससे छोटा हो एंड देन हम रिफ्रेश करते हैं तो क्या हो अलर्ट करवा दे, तो अलर्ट को छोड़ते हैं फिलहाल, जो है वो सिंपल काम करते हैं कि डॉलर दिस या जो है दिस अंडरस्कोर सेल डॉट नेक्स्ट का फंक्शन है एंड उसके बाद में हम क्या करते हैं उसे बता देते हैं कि उसके बाद में हमें एक ऑप्शन चाहिए स्पैन स्पैन देन दो प्लस के साइन एंड स्पैन, ठीक है एंड हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है कौन सी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे मिनिमम लेंथ, ठीक है एंड हम स्पैन जो है वो क्लोज करेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, ठीक है वापस चलेंगे रिफ्रेश करते हैं एंड स्पैन नेक्स्ट आफ्टर हम रखते हैं वापस जाएंगे रिफ्रेश करते हैं एंड हमारा एरर है बिकॉज नॉट इक्वल्स टू एंड मेन लेंथ ग्रेटर देन हो जो है 0 से बिल्कुल ग्रेटर देन है 0 एंड मेन लेंथ नॉट इक्वल्स टू, हम यहाँ पे जो है करंट ऑब्जेक्ट लेते हैं दिस डॉट वेल डॉट लेंथ, ठीक है वापस जाएंगे रिफ्रेश करते हैं हमारा फिर भी काम नहीं हो रहा मेन लेंथ, ठीक है आई थिंक हमारा ऐसे होगा यहाँ पे आएगा हमारा दिस अंडरस्कोर सेल लेस देन हो मेन लेंथ, ठीक है
हमारा ऐसे ही होगा, दिस डॉट सेल लेस देन हो मिल लेंथ के। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो नहीं हो रहा।